हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में। जैसे आपको पता है, विज्ञान के 500 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, और ये जो 500 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चे इस 500 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2021 में उनसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और ये है वीडियो का पार्ट 4। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में 50 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास कब चलता है, तो रोज रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। ए ऑप्शन है ध्रुवों पर, बी ऑप्शन है मध्य में, सी ऑप्शन है दोनों जगह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है, तो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मध्य में कम होता है, यानी बीच में कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से प्राथमिक रंग है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है तीनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है इसमें से, तो लाल भी क्या है, प्राथमिक रंग है, नीला भी प्राथमिक रंग है, और हरा भी क्या है, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कितना होता है, तो 3 होता है, कौन कौन, तो लाल, नीला, हरा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो 50 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे चार नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दृष्टि परास, बी ऑप्शन है दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है दूरी, डी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दृष्टि परास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दर्पण में कितने फोकस होते हैं, तो 1 फोकस होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
सात नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न की उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, बी ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, सी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन है यहाँ पे वास्तविक और सीधा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, जबकि यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है अर्धचालक पदार्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग इसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है अधिक अम्लीय को, बी ऑप्शन है उदासीन को, सी ऑप्शन है अधिक क्षारीयता को, डी ऑप्शन है कम क्षारीयता को। तो यहां पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पीएच स्केल पर कहां से कहां तक की संख्याएं अंकित होती हैं, तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती है, इसे आपको याद रखना है, और बीच में क्या होता है, 7 होता है जो उदासीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न की 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न की तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। ए ऑप्शन है छोटा, बी ऑप्शन है बड़ा, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो छोटा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जहाँ पे कम प्रकाश रहता है, अंधेरा रहता है, वहां पर पुतली का आकार कैसा होता है, तो बड़ा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न की इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। ए ऑप्शन है धन आवेशित, बी ऑप्शन है ऋण आवेशित, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, तो धन आवेशित हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो वो कैसा हो जाता है, ऋण
ऋणात्मक होता है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बोल्ट, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है टेस्ला। 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहते हैं। तो जूल प्रति कूलम्ब को ये बोल्ट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न की कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। तो कौन सा वो लेंस है जो बीच में क्या होता है, पतला, और किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है। तो ये कौन सा लेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बीच में पतला है और किनारे पर क्या है, मोटा है। तो ये कौन सा लेंस है, तो ये अवतल लेंस है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए ऑप्शन है हरित लवक, बी ऑप्शन है पत्ती, सी ऑप्शन है एस्टोमेटा, डी ऑप्शन है जड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक है, इसे आपको याद रखना है। और हरित लवक के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ए ऑप्शन है शुष्क वायु, बी ऑप्शन है आर्द्र वायु, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है तेल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो यहाँ पे देखिए आर्द्र वायु के कारण ही लोहे में जंग लगता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि आपतन कोण I हो और परावर्तन कोण R हो तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपको पता है कि जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी जो पहला कथन है यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है थ्रोम्बिन के कारण से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के कारण से, डी ऑप्शन है फाइब्रिन के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए पराग कोष में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है दलपुंज, बी ऑप्शन है बाह्य दल, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है स्त्री केसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन है समतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खतरे के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए खतरे के सिग्नल में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
24 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। यहां पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी ऑप्शन है कृत्रिम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। तो जो इंद्रधनुष है ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में बाहर कौन सा रंग होता है, तो लाल होता है, और अंदर कौन सा रंग होता है, तो बैंगनी रंग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ए ऑप्शन है रोशनी बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है बल्ब की सुरक्षा के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए भरी जाती है, यानी यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कौन कार्य नहीं करता है। यहां पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कौन कार्य नहीं करता है। ए ऑप्शन है विद्युत हीटर, बी ऑप्शन है विद्युत इस्त्री, सी ऑप्शन है विद्युत बल्ब, डी ऑप्शन है विद्युत पंखा। तो यहां पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कौन कार्य नहीं करता है। तो विद्युत हीटर करता है, इस्त्री भी करता है, और विद्युत बल्ब भी करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य। लेकिन जो विद्युत पंखा होता है ये क्या करता है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे ये कार्य नहीं करता है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.77, बी ऑप्शन है 1.47, सी ऑप्शन है 1.44, डी ऑप्शन है 2.42। तो यहां पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रीस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है मोबिल को। तो यहां पे आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पौधों में मादा भाग को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है दल, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है अंडाणु। तो यहां पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है क्षार का। तो यहां पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये किसका पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो ये प्रोटीन का है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहां पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पंजाब। तो यहां पे आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर
33 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस के पीएच मान लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 2.2, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 2.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी, यहाँ पे देखिए तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन है अवकरण, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है, तो संक्षारण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। यहां पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का शून्य क्या प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है अधिक क्षारीयता को, बी ऑप्शन है अधिक अम्लीयता को, सी ऑप्शन है कम अम्लीयता को, डी ऑप्शन है उदासीनता को। तो यहां पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का शून्य क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि दूध के दांत कितने होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि दूध के दांत कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 16। तो यहां पे आपको बताना है कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत 20 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो यहां पे आपको बताना है कि शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग इसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है निषेचन, सी ऑप्शन है अंकुरण, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहां पर आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसे जाइगोट भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहां पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर।
42 नंबर प्रश्न है, धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं। ए ऑप्शन है ग्रहण करती हैं, बी ऑप्शन है त्याग करती हैं, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, तो त्याग करती हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। यहां पे आपको बताना है कि किसका भंडारण सीमित है। ए ऑप्शन है कोयला का, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, सी ऑप्शन है मिट्टी का, डी ऑप्शन है हवा का। तो यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है, तो कोयला का यहां पे भंडारण क्या है, सीमित है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, डी ऑप्शन है सोडियम। 44 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो धोने का सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है तांबा का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। तो जो तड़ित चालक होता है ये तांबा का बना होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है Cu, बी ऑप्शन है Ag, सी ऑप्शन है S, डी ऑप्शन है Br। तो यहां पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है, तो Ag प्राप्त होता है, जिसे हम लोग सिल्वर भी बोलते हैं। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सर्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है, तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और यह है वीडियो का पार्ट 4, पार्ट 1 करा चुके हैं, पार्ट 2 भी करा चुके हैं, पार्ट
पार्ट थ्री भी करा चुके हैं और आज हम आपको पार्ट फोर भी करा चुके हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें है, यानी यहाँ पे टोटल हम आपको 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं और यहाँ पे 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो उनका यहाँ पे देखिए बोर्ड एग्जाम 2021 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो और इसका कुछ पार्ट आएगा तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। आज यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग यहाँ पे पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री नहीं देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको क्या करना है कॉमेंट बॉक्स में देना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस को, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उनकी आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, तो उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।